बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास दहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज उर्दू का लेक्चर नंबर 63 है, जिसका नवान है तफीम बात नंबर 11। सवाल नंबर 1, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ रहकर एक दूसरे से क्या कुछ सीखा? इसका जवाब है, बर स्क्रीन में हिंदू और मुसलमान करीबन 1000 साल तक इकट्ठे रहे। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। हिंदुओं की बात बुरी रसूमात को मुसलमानों ने अपना लिया और बाद इस्लामी खूबियों को हिंदुओं ने अपना कर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। सवाल नंबर 2, हिंदुओं और मुसलमानों के आपस में तल्लुकात कैसे रहे? इसका जवाब है, बरसगीर में हिंदुओं और मुसलमानों के तल्लुकात खुशगवार रहे, मगर 1000 साल रफाकत भी उन्हें एक कौम या माशरा ना बना सकी, क्योंकि बाहमी तल्लुकात और रख रखाव के बावजूद आपस में इतिहाद और यकानगत पैदा ना हो सकी। सवाल नंबर 3, हिंदू माशरा आपस में मुतहिद क्यों ना हो सका? इसका जवाब है, हिंदू माशरा ज़ात पात के बंधन में बंधा हुआ था, यही वजह थी कि वह मुतहिद ना रह सका। सवाल नंबर 4, मुसलमानों ने हिंदुओं पर कितने अरसे तक हुकूमत की? इसका जवाब है, मुसलमानों ने हिंदुओं पर तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की, जिसमें उन्होंने अदल और इंसाफ को आम करने की कोशिश की। सवाल नंबर 5, दो कौमी नज़रिया क्या है? इसका जवाब है, हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद थीं, एक मुस्लिम और दूसरी हिंदू। दोनों के तर्ज हयात और रसूम रिवाज में नुमाया फ़र्क था। तवील अरसा तक इकट्ठे रहने वाली ये कौमें आपस में इकट्ठी ना हो सकें, उनकी पहचान जुदा जुदा थी। इस पहचान को दो कौमी नज़रिया कहते हैं।